सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड वन की शुरुआत होती है मॉस्को से, जहां एजेंट रॉस मिलता है एजेंट प्रेस्कॉट से, जहां प्रेस्कॉट बताता है एजेंट रॉस को वो सारी टेररिस्ट अटैक के बारे में जो पूरी दुनिया में हो रही है और कैसे उनके पीछे स्क्रॉल्स का हाथ है। और वहीं अब वो एक बड़ी अटैक का भी प्लान कर रहे हैं और साथ में वो एजेंट रॉस को एविडेंस भी देता है ताकि निक फ्यूरी कुछ एक्शन ले सके इन सब चीज़ों पर। पर उसी वक्त एजेंट प्रेस्कॉट को एजेंट रॉस के ऊपर शक हो जाता है और वो उसे ऑलमोस्ट पकड़ ही लेता है, बट एजेंट रॉस उसे गोली मार देता है और वहाँ से भाग निकलता है। पर वहीं पर कोई उसका पीछा करने लगता है और एजेंट रॉस कॉल करता है मारिया हिल को बैकअप के लिए। और उसी चेज के बीच में एजेंट रॉस बिल्डिंग से गिर जाता है एंड मर जाता है। एंड तब पता चलता है कि वो एजेंट रॉस नहीं बल्कि एक स्क्रॉल है। वहीं जो आदमी उसके पीछे था वो कोई और नहीं बल्कि टैलोस निकलता है, जो कि है स्क्रॉल्स का लीडर्स। आपने कैप्टन मार्वल मूवी में देखा ही होगा। और तभी निक फ्यूरी स्पेस से अर्थ में आते हैं। वहीं टैलोस, मारिया हिल और निक फ्यूरी तीनों मिलकर डिस्कस करते हैं कि ग्रेविक का अगला प्लान क्या होगा। ग्रेविक जो कि लीडर है स्क्रॉल्स के एक टीम का, जो अर्थ पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। मारिया हिल एक्सप्लेन करती है कि कैसे स्क्रॉल इम्यून है रेडियो एक्टिव से एंड वो सब छिपे हुए हैं रशिया के कुछ इंडेंट बेस में। उनके पास है बॉम्ब जो वो यूज करने वाले हैं अमेरिका एंड रशिया के बीच जंग के लिए। मारिया हिल ये भी बताती है कि कुछ वेपन चोरी हुई है कजाकिस्तान से जो बॉम्ब बनाने के लिए यूज हो सकता है। वहीं निक फ्यूरी का स्पेस में सैबर से निकल जाने का न्यूज़ व्हाइट हाउस तक पहुंच जाता है रोडी के थ्रू, जिसे आप वार मशीन के नाम से भी जानते हैं। वहीं सोनिया जो कि एजेंट है MI6 की, वो किडनैप कर लेती है निक फ्यूरी को एंड भी ऑफर करता है साथ में काम करने के लिए स्क्रल्स के खिलाफ। पर सोनिया उसे वापस जाने बोलती है स्पेस में जहां से वो आया है और उसे भेज देती है बाहर। वहीं दूसरी सीन में हमें गिया का इंट्रोडक्शन मिलता है, जो कि बेटी है टैलोस की और वो मदद कर रही है एक स्क्रल की जो आया है रहने वहाँ। इस सारे स्क्रल्स रहते हैं और साथ में वो वॉरियर स्क्रल्स भी जो ग्रेविक के साइड हैं, और उनके कैंपस में हमें देखने को मिलता है कि ग्रेविक के लोग किडनैप कर रहे हैं ह्यूमंस को और उनका मेमोरी ले रहे हैं और साथ में उनका प्लेस रियल दुनिया में। तब हमें देखने को मिलता है कि निक फ्यूरी ने एक सीक्रेट कैमरा इंस्टॉल किया है सोनिया के पास और उसे उन्हें पता चलता है बॉमर के बारे में और वो डिसाइड करते हैं खुद जाकर उससे मिलने को। वहीं ग्रेविक एंड टीम भेजती है गिया को बॉमर के पास से बॉम्ब लाने को और गिया वहां से बॉम्ब लेकर निकल जाती है, बट मारिया हिल उसे देख लेती है एंड उसके पीछा करती है, पर वो उसे रोक नहीं पाती है क्योंकि फिजिकली गिया हिल से ज़्यादा पावरफुल है। वहीं टैलोस, गिया का पिता, भी उसे रोकने उसके पीछे जाता है। उसे बताता है कि उसकी माँ मर चुकी है, ग्रेविक ही है उसके पीछे, और गिया टैलोस को बॉम्ब देने से मना कर देती है और वहाँ से भाग निकलती है और जाकर ग्रेविक एंड टीम को बॉम्ब दे देती है, बट साथ में प्लान पोस्टपोन्ड करने को भी कहती है और बताती है कि कुछ लोग उसके पीछा कर रहे थे। वहीं उसके मन में अपनी माँ की मौत को लेकर भी सवाल थे और इसलिए वो छुप कर मिलती है अपने पिता टैलोस से। और तब टैलोस बताता है कि ग्रेविक ने उसकी माँ को मारा है और उसे वहाँ से निकल जाने को बोलता है। और तब गिया बताती है कि टोटल 3 बॉम्ब हैं जो कि कल के लिए प्लान्ड है। और फिर टैलोस, फ्यूरी एंड हिल तीनों निकल पड़ते हैं बॉम्ब ब्लास्ट रोकने। स्क्रल इंसान के रूप में पब्लिक में घूम रहे थे 3 बैग लेकर जिसमें बॉम्ब था। वो एक फेक बैग था जो बस इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था और रियल बॉम्ब पहले से ही प्लांट कर दिया गया था। जहां निक फ्यूरी ग्रेविक के पीछे था, वहीं टैलोस एंड हिल दूसरे बॉम्बर्स के पीछे। और तभी ग्रेविक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है एंड हंड्रेड्स की जान चली जाती है और ग्रेविक मारिया हिल को भी शूट कर देता है और मारिया हिल की डेथ हो जाती है और फर्स्ट एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।